ला सकते हैं. रिमेंबर डिस्ट्रक्शन इज डेंजरस. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विभाजन जो है वो खतरनाक हो सकता है. हिंदी में एक बात कहूंगा, अगर आज हमारे लिए ये बोलते ना डिस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं हिंदी में, तबाही. अगर ये तबाही अगर हमारे जीवन के लिए ऐसी है तो इस बात को ध्यान में रखें, अगर तबाही के काम करना है तो हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे. इस बात को देखिएगा, जहां भी खुदा का वचन होता है वहां क्या होनी, सतर्कता होनी चाहिए. और शास्त्र कहता है हमने कैसे बनना चाहिए, हमने संगति में बनना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पर संगति कर रहे हैं तो संगति में रहे, क्योंकि ये सभा किसके लिए, हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए है. इस बात को जानिएगा, यीशु मसीह जो था वो बड़ा गंभीर था. बाइबल कहती जब भी वो किसी को प्रवचन करता था तो बाइबल कहती तीमोथी की पत्री में उसने कहा है, परमेश्वर का वचन काहे के लिए है, दोष दिखाने के लिए, सुधार ना होने के लिए. परमेश्वर का वचन ये आईना है. इस बात को ध्यान में रखें, इतिहास की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आशा से मिलने गया और उसने क्या कहा उससे, परमेश्वर आशा से मिलने गया और आशा को वार्निंग दिया. और आज वही वार्निंग आपके लिए और हमारे लिए है. और वो वार्निंग ये है, आशा से परमेश्वर ने कहा अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, आपने मुझे त्याग दिया तो मैं आपको त्याग दूंगा. तो सोच लो फिर आज यहां सम्मेलन में बैठकर हम त्याग क्या रहे हो. बच्चे को खेलना है तो घर जाके खेल सकते हैं, पर ये समय जो परमेश्वर ने आपको दिया है ये फिर से नहीं आएगा. इस बात को सोचिए, 20 मिनट के अंदर यहां पर अगर स्वर्ग और नरक का फैसला यहां पर होगा, क्या बच्चों से खेलोगे आप? इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर गंभीर है. बाइबल कहता है कि परमेश्वर के हाथ में कितना भयंकर है. तो आज हम सोचिएगा इस सम्मेलन में हम क्या कर रहे हैं. यहां पर हम खेलने के लिए नहीं, खुदा का वचन लेकर आए हैं आपके लिए. ये प्रचार जो होता है किस लिए होता है, ये पैसे जो खर्चे की कहां पर आए, ये खुदा ने दिया, ये समय आपके लिए है. तो इसको गंभीरता से लीजिएगा. मैं हमेशा मेरे चर्च पे हूं या बाहर कहां पर भी हूं, मैं बड़ा सतर्क होता हूं. मुझे बहुत इंस्ट्रक्शन दिए गए थे यहां पर मैंने सीधा यही करता हूं, आत्मा में जब चलता हूं मुझे कोई डिस्ट्रक्शन पता नहीं लगता है. इस बात को ध्यान रखें, अगर आज आपके घर में कोई खुशखबरी है और आपका पति जो है वो सोया हुआ है, वो बोलता है रहने दे कैसा आएगा, गुस्सा आएगा ना, उससे परमेश्वर है. बाइबल कहता है परमेश्वर का छुपने का स्थान होता है, इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपकी वाचाओं को क्यों नहीं सुनता है, क्योंकि आपके बीच में और खुदा के बीच में क्या है, दीवार है, और दीवार पाप की है. इसलिए आज हम वहां पर बैठ के रोते हैं, प्रभु ये काम कर, प्रभु वो काम कर, प्रभु ऐसे रोते बच्चों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है. ये वो लोग हैं जो चॉकलेट गॉस्पल खाकर आए हुए लोग हैं. और हमेशा ध्यान में रखें, चॉकलेट वाले लोग हमेशा रोते रहते हैं. बाइबल कहती है हमें, जॉब की किताब में कहता है, रोते वो लोग हैं जिनके पास आशा नहीं होती है. आज हमें परमेश्वर रोने के लिए नहीं बुलाया है. आज हम देखते हैं जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आज वो साधारण जीवन जी रहे हैं. इसीलिए आज भी हम कहां पर हैं, मुश्किल दौर में हैं, गरीबी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बड़े बड़े काम नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि आज हमारे पास खुदा का वचन नहीं है. बाइबल कहती है हमें, इस बात को जानिएगा, उसने अपने नाम से ज्यादा उसके वचन को उठाया है. तो आज आप इस बात को देखिए, यीशु मसीह कहां पर बैठा है. यीशु मसीह इस जगह पे नहीं, यीशु मसीह आपके अंदर है. भजन संहिता 29 में अगर पढ़ोगे तो बाइबल कहती हमें, परमेश्वर की वाणी कहां पर है, तो जल के ऊपर है. और वो जल कौन है, वो आप लोग हो. परमेश्वर का वचन कहता है जल आप हो. फिर इस बात को जान ले, बच्चों के साथ खेलोगे तो जल की वाणी कैसे आएगी. बाइबल कहती भजन संहिता 29 में उसने कहा कि जब परमेश्वर की वाणी आती है चट्टाने गिरती है, समुन्द्र लाल जाता है. फिर इस बात को सोचिएगा कि जब बाइबल कहती हमें, हमारा परमेश्वर जिसके बारे में आज हम बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, दुनिया को हिलाने की बात कर रहा है. शास्त्र कहती है हमें कि हमारा परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, जब हम उसको गुहार लगाते हैं तो बाइबल कहती है वो दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता है, कांटे देखता नहीं, समुंदर नहीं देखता है. वो क्या करता है, वो कोई समय को नहीं देखता, पर जब आप गुहार लगाते हो वो दौड़ कर चला आता है. फिर इस बात को सोचिएगा, जब वो चला आने को तैयार है तो हमने क्या होना चाहिए. इस बात को देखिएगा, आज यहां पर बैठे जैसे इस मीटिंग का संचालक है, क्या कहता है, दुनिया को हिलाने की वाली बात करते हैं. और इस बात को देखो, दुनिया को हिलाने वाले लोग अगर गंभीरता से वचन को नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम देखते हैं हम जैसे थे वैसे रहेंगे. बाइबल में लिखा गया है कि यीशु ने किन लोगों को एक उदाहरण दिया, और उस उदाहरण में क्या कहा उसने, उसने कहा किसी को 100 दिया, किसी को अलग अलग माप के हिस्से दे दिए. पर इस बात को देखो, दो लोग हिसाब लेकर आए, तीसरे ने क्या कहा, हाँ प्रभु मुझे पता था मांगोगे. उसने क्या करा, वही जमीन से उठा लिया और दे दिया. खुश था क्या? नहीं. तो ऐसे ही लोग हमारे बीच में बैठे हैं.
आज 20 साल 30 साल से खाली क्या कर रहे हैं हम लोग, रो रहे रो रहे रो रहे। बाइबल में कहा लिखा कि हमें रोना है? बाइबल में कहीं लिखा नहीं कि हमें रोना है। बाइबल कहता है हमें, फिलिपियों की पत्री में पढ़िए, वो कहता है परमेश्वर का आनंद क्या है, हमारी ताकत है। बाइबल कहती है कि वो कहता है कि हमेशा हमने क्या करना है, आनंद करना चाहिए। तो आज हम क्या कर रहे हैं यहां पर, इस बात को ध्यान में रखें, अगर हम गंभीरता से वचन को नहीं लेंगे तो परमेश्वर हमें गंभीरता से नहीं लेगा। यशायाह की किताब में परमेश्वर कहता है अगर आप जिस तरह से मुझसे बर्ताव करोगे उसी तरह से मैं आपसे बर्ताव करूंगा। सोच लो, बाइबल कहती है नेहमिया की किताब में, वो कहता है कि खेतों में बैलों का सम्मान है, पर परमेश्वर पूछता है मेरा सम्मान कहां पर है। बताइए आज कहां पर परमेश्वर का सम्मान है। पीटर की किताब कहती है हमें कि हमने भाइयों का एक में का सम्मान करना चाहिए। जब हम परमेश्वर का ही सम्मान नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर का सम्मान नहीं करते तो मनुष्य का सम्मान कब कर पाएंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को ही नहीं पढ़ते हैं तो वो सम्मान की बात कैसे करते हैं। इस बात को ध्यान में रखें, बाइबल कहती है हमें हमारा परमेश्वर कैसा है, वो शिस्त वाला परमेश्वर है। अगर आज हमें यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जब हम सभा में जाते तो बाइबल क्या कहती है हमें, इफिसी किताब में लिखा है कि हमने हमारे हथियार को लेकर चलना चाहिए। आज हम हमारे पास हथियार कहाँ लेकर आए हैं? आज हथियार लेकर नहीं आए, हम सिर्फ दिमाग लेकर आए हैं। कोई अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगा, हाँ चलो प्रेज गॉड फील गुड, नो। इसलिए आज मैं बोलता हूं, इस बात को देखिएगा, एक दो दोस्त थे अमेरिका के अंदर, दोनों भी क्या थे, मछुआरे थे। एक ने कहा चलो आज मच्छी पकड़ते हैं, एक ने बोला हाँ चलो ठीक है। तो उसके अंदर से एक बंदा ऐसा था जो कभी स्कूल नहीं गया था, उसने कहा भाई एक काम करते, एक पत्थर लिया उसने, उस पत्थर को क्या किया उसने, रस्सी बांधी, छाऊ साहब रस्सी बांधी उसको, और उस पत्थर को ऐसा लगा दिया, दीवार को ठोक दिया, और क्या कहा 25 साल के बाद हम फिर मिलेंगे और तब मैं तुझे बताता हूं इस पत्थर में पानी घुसता है। 25 साल बाद वो वहां पर आए, उसने भाई कैसा है क्या है, दोनों भी बूढ़े हो चुके थे। हाँ ये मेरा पत्थर याद है ना, हाँ डेट लिखा है, पत्थर है मेरा। उसने क्या किया, उस पत्थर को ले लिया और फोड़ा और क्या बोलता है, देख पानी गया क्या। उसी तरह आज मसीह लोग हो चुके हैं, हम लोग प्रचार कितना भी करो, आप कितना ही बोलो हम नहीं बदलेंगे, है ना, हमने एक बोर्ड लगवा दिया है डू नॉट डिस्टर्ब। इसलिए आज पवित्र आत्मा आपके घरों के अंदर गरीबी में रहता है, इसलिए पवित्र आत्मा आपको छोड़ के जाता है। मैं हमेशा मेरी कलीसिया में कहता हूं पवित्र आत्मा सिर्फ अपने आने का संकेत देगा, जाने का नहीं देगा। फिर सोचिएगा भाई ने इतनी अच्छी उपस्थिति को लेकर आए, बच्चे से खेल रहे हो आप, अरे ये कॉन्फ्रेंस है। इसलिए मैं हमेशा बोलता लोगों को गुस्सा आता है मेरा बोलने का, पर मैं फिक्र नहीं करता हूं, जहां पर आत्मा का स्वागत है मैं किसी से नहीं डरता हूं। कितने सहमत है इस बात को, इस बात का हमेशा ध्यान में रखें, जो लोग मेरा सम्मान नहीं करते तो वो मेरे खुदा का क्या करेंगे। सही बात है, जान लीजिएगा, आपको पता नहीं इस वर्ष में कौन से अभिषेक में चल रहा हूं। इस बात को जहन में डाल लीजिए, परमेश्वर के घर में बैठे तो जिम्मेदारी आपकी है। एक वचन को सुनेंगे तो 365 दिन तक चमत्कार पीछे चलेंगे। क्यों आमेन बोल रहे हो ना, हाँ आमेन बोलने का आपको हक नहीं है, क्योंकि जो लोग वचन पढ़ते उनके लिए वो आमेन होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे वचन आप में और मैं आप में रहूंगा तो क्या होगा, जो मांगो मिलोगे। आप वचन पढ़ते हो नहीं, मत्तै किताब में कहा यीशु कहता है आप गलतियां क्यों करते हो, क्योंकि आप मेरे बारे में पढ़ते ही नहीं हो। मैंने उनसे कहा मैं इंग्लिश में बोलूंगा, पर अभी क्या करूं, गलती दिख गई तो बोलना पड़ेगा। सही बात है या गलत बात है, ये पीटर बोल रहे हैं। किसी का सुनता नहीं हूं मैं, सिर्फ परमेश्वर का सुनता हूं। अगर आज हमें अच्छे अगवे बनना है तो सुनने वाला होना चाहिए। इसलिए यीशु ने फटकार लगा दी, यीशु ने क्या कहा, सिर्फ सुनने वाले मत हो उसके अनुसार। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, आप सोचो आपके घर में कोई बच्चा बीमार है और यीशु बोलता मनुष्य टेक्स्ट मैसेज करना, अरे टेक्स्ट करना, अरे यीशु देख दो बच्चा बीमार है, नहीं नहीं अरे मनोज एक फाइल भेजना यार, एक गेम खेलेंगे पबजी खेलेंगे पबजी, अरे बड़े बड़े मर, अरे मेरा बच्चा बीमार है, क्या करोगे आप, यीशु को गालियां दोगे, करोगे ना ऐसा नहीं, क्यों, तब बोलोगे इसको समझता नहीं कि मेरा बच्चा है। अरे इस बात को ध्यान में रखो, इसीलिए परमेश्वर का वचन पुराने इसराइल के न्यूज़पेपर में देखिएगा, जब मिसाइल के ऊपर झगड़े हो रहे थे तो न्यूज़पेपर में एक आया कि इसराइल के लोग जब प्रार्थना करता है तो उनका परमेश्वर मिसाइल के डायरेक्शन बदलता है। सोचिएगा जब तुम लोग प्रार्थना करोगे, तुम लोग वचन पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन के भी डायरेक्शन परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर को सस्ता मत लो, परमेश्वर महंगा है,
परमेश्वर को ढूंढना कोई आसान बात नहीं है। आज हम यहां पर जब आए, मैं बोलता हूं मुझे आने के लिए यहां पर इतनी मुश्किलें आई हैं, ना मैं प्रार्थना कर पा रहा था, ना मैं कुछ कर पा रहा था, लोगों के प्रेशर, बाहर के प्रेशर, सभाएं कर रहा हूं, प्रेशर पे प्रेशर। पर इस बात को ध्यान में रखें, फिर भी मैंने जान लिया है प्रेशर आता है तो एक ही काम करना है। जैसे बाइबल कहती है भजन संहिता 112 में, वो कहता है कि जैसे यरूशलेम के चट्टान, जैसे यरूशलेम के आजू बाजू में क्या है, चट्टान है, वैसा तेरा परमेश्वर तेरे साथ में है। इस बात को ध्यान में रखे, और इस बात को ध्यान में रखे, जो लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं वो क्या कहता है निर्गम की किताब के अनुसार, तू जहां भी जाएगा मेरी उपस्थिति पर साथ जाएगी। तो मेरे भाई मेरी बहन, जान लो परमेश्वर के वचन को, अपने जहन में डालो। एजिकल की किताब कहती है हमने परमेश्वर का वचन कहा करना है, हमारे अतड़ियों में ठूसना है। कितने लोग ठूसते हैं, आज सवेरे उठने के बाद हमारी प्रार्थना क्या है, प्रभु मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ये, पर ये वो लोग नहीं जानते हैं। दाऊद कहता है किताब के अंदर, सवेरे होने से पहले और शाम होने तक उसके किताब में सब लिखा है कि आज हम क्या करेंगे। पर सोचिएगा, ये वही परमेश्वर है जिसको हम रोजाना फेल करते हैं, रोजाना हम उसका नाम व्यर्थ लेते हैं, कैसा परमेश्वर आपके पास ध्यान देगा। इस बात को ध्यान में रखे, बाइबल कहती है जोशुआ किताब के अंदर, जब परमेश्वर ने जोशुआ से कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा, जीत दिलाऊंगा, और क्या हुआ, वहां से एक बंदा था एकम नाम का, उसने क्या कर दिया, बाइबल कहती वो एकम नाम के बंदे ने शापी चीज को अपने जेब में डाल दी, तो क्या हुआ, पूरे नगर में शाप आ गया। फिर सोचो, जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो कौन से जीवन में जी रहे हैं। और फिर हम देखते एक बंदे के पाप से क्या हो गया, पूरे लोग बंधन में आ जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखे कि जब ऐसे बंधन आते हैं टूटना बड़ा मुश्किल होता है। और तब बाइबल कहती है जोशुआ ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ऐसी कौन सी चीज है जिसने हमारे राज्य पे ये चीज को लाया है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पास एक कोई बंदा है जिसने गलत चीजों को लाया है। इस बात को ध्यान में रखे, उसके बाद हम देखते वो युद्ध हारा, पर जब वो बंदे ने पश्चाताप किया परमेश्वर ने इसको विजय दिया। तो सोचिएगा शाम के वक्त, यहां पर जितने भी नए मसीह लोग हैं उन सब ने इस बात को ध्यान में रखे, परमेश्वर का वचन पढ़ना है तो हंसी मजाक में नहीं, गंभीरता से पढ़े। जब हम गंभीरता से उस वचन को लेंगे तो वचन हमको गंभीरता से लेगा जरूर। इस बात को ध्यान में रखे, यीशु को मिलना यह कोई आसान बात नहीं है। इस बात को ध्यान में रखे, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मुझे मिलते हो और मुझे भूल जाते हो, आपका कुछ नुकसान नहीं। पर जब आप यीशु को मिलते हो और उसको भूलते हो, तो आपका जीवन भर का नुकसान है। तो आज शाम को आपको मैं चैलेंज बोलता हूं, मुझे बहुत सी अलग बात बतानी थी, पर एक खाली गुस्ताखी ने, हम देखते हैं पूरा वातावरण परमेश्वर को रोक दिया। हंसना बड़ा इजी हो जाता है, एक गलती के वजह से अनेक लोगों के आशीष रुक जाते हैं। जिम्मेदार कौन? जैक पोनियम कहता है उसकी किताब के अंदर कि जब एक मसीह व्यक्ति एक विधर्मी के साथ 30 मिनट बदघलाता है तो विधर्मी के सारे गुण किस में आते हैं, वो मसीह व्यक्ति में आते हैं, और मसीह के व्यक्ति के गुण सारे निकल जाते हैं, उसका पतन हो जाता है। फिर आज आप सोचो आप किसके संगति में हो। शाह साहब सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? हमने इस वचन को गलती से नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से लीजिए। आज जब आप घर जाओगे तो परमेश्वर के पास बैठो, पश्चाताप करो। यस सर, पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास जाओ और कहो कि प्रभु मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूं, मुझे बदल। इसलिए यूहन्ना कहता है तुम्हारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने कैसी है, फटी चिंदियों जैसी है। इसलिए यूहन्ना कहता है तुम्हारा जीवन कैसा है, चूना मारी हुई कब्र है जहां से क्या गंदी बू आती है। इसलिए बाइबल कहती है हमें ये होठों से मेरा सम्मान करते हैं, क्या इनका हृदय मेरे से लंबा है, परमेश्वर कहता है। इसलिए बाइबल कहती है हमें नित्यवचन किताब में वो कहता है कि अंतकरण की तैयारी है मनुष्य के, उत्तर परमेश्वर के पास से आता है। जब वाणी ही नहीं सुनते तो उत्तर कहां से आएगा। तो बंद करने से पहले मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो वचन को आज से गंभीरता से पढ़ेंगे, गंभीरता से लीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं ऐसा कौन सा दिन आपका निकालो मत कि सिर्फ हम उठाएं और बाहर गए, नहीं, समय बिताइए, प्रार्थना कीजिए। नंबर वन प्रार्थना, नंबर टू घाई गड़बड़ मत करो, प्रभु चमत्कार चाहिए, प्रभु के समय में सब कुछ प्रभु सही करता है, प्रभु के समय में सब कुछ प्रभु सही करता है। तीसरी बात, हमारा परमेश्वर बाहर से नहीं अंदर से देखता है। आप कितने भी घिनौने अपराध क्यों ना करें, पर बाइबल कहता है यशायाह में वो कहता है वो तुम्हारे पाप को अपने हाथ में लेता है, पीठ पीछे डालता है, उसकी याद नहीं करता है। तो सोचिएगा वो इतना अच्छा परमेश्वर है, हमने उसको क्या बना दिया। कितनों को समझ में आ रहा है, समय खत्म हो चुका है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है।
दुख लगता है कभी कभी मैं जब ऐसे सभा में आता हूँ ऐसी हरकत हो जाती हूँ। आज उनका भी वो भी अच्छा ट्रांसलेट कर रहा था। क्या होता है, एक डिस्ट्रक्शन से लिंक टूट जाता है, फिर बंदे में मजा नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। लेट्स प्रेस। जैसा भी बैठे रहे नीचे, ब्रदर इन द कीबोर्ड प्लीज, ओनली ऑन द कीबोर्ड, आई वॉन्ट यू टू प्ले द हम्प। हु इज ऑन द कीबोर्ड? द हेवनली हम्प व्हाट यू आर प्लेइंग, दैट्स इट। Ra beke sante, come brother, let's pray. Ma ro fepe sante, hallelujah. Praise God. Sabhi apni aankhon ko band rakhe. Worship you, Jesus. That's it. Hum, heavenly hum. That's it. Every eye close. हर कोई अपनी आंखों को बंद करे. Every eye close. हर कोई अपनी आंखों को बंद करे. Every eye close. हर कोई अपनी आंखों को बंद करे. Let's examine ourselves for some time. अपने आप को परखे कुछ समय। Let's God deal with you. रोंदो की प्रभु आपके साथ व्यवहार करें। Let's God talk to your heart today. प्रभु आपके हृदय से बात करें। Because this is a now moment. क्योंकि ये अब का समय है। You cannot play with God. आप प्रभु के साथ नहीं खेल सकते। You cannot play with God. आप प्रभु के साथ नहीं खेल सकते। The lady with the blue dress, you know. और वो महिला जो नीले कपड़े में है। The blue salwar kameez suit. नीले नीले कलर की जो कपड़े हैं, सलवार कमीज। Yes, that lady. Yes. I want to just stand there. वहीं खड़े रहो। The Lord hurts you. प्रभु आपका सुन रहा है। He hears your prayer. आपकी प्रार्थना वो सुन रहा है। He hears your prayer. आपकी प्रार्थना वो सुन रहा है। The Lord says, I'm sending good news is your way. और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे मार्गों में सुसमाचार भेज रहा हूँ। Good news. अच्छी खबर भेज रहा हूँ। In your life. आपके जीवन में। In your life. आपके जीवन में। He's touching your body. आपके शरीर को वो छू रहा है। He's touching your body. आपके शरीर को वो छू रहा है। He's touching your body. आपके शरीर को छू रहा है। He goes to the anointing. वो अभिषेक आ रहा है आप पर। He's touching your body. वो आपको छू रहा है। He's touching your body. वो आपको छू रहा है। He's touching your body. That's what he goes to the anointing. Oof. That's the anointing. वो आपको छू रहा है। That's the anointing. वो अभिषेक। That's the anointing. वो अभिषेक। That's the anointing. वो अभिषेक। The lady with the white dress. Yes, you sister. That's you. It's you. आप. Just lift your hands. अपने हाथों को उठाएं. The Lord says to you. प्रभु आपसे कहता है. A promising future. एक उज्जवल भविष्य. New anointing. नया अभिषेक. It's coming your way. आपके मार्ग पे आ रहा है. The anointing is coming. आपके मार्ग पे आ रहा है. The anointing is flowing. आपके मार्ग पे आ रहा है. Lift your hands everywhere, please. हर कोई अपने हाथों को उठाएं. In just 5 minutes, the anointing is going to hit this building. ये 5 मिनट में ये इमारत में अभिषेक उतर आएगा. It's just going to hit the building. इस इमारत में उतर आएगा. It's going to hit. वो इमारत आएगा। I'm just going to wave my hands and the anointing is going to move. और जैसे मैं अपना हाथ हिलाऊंगा अभिषेक आ जाएगा। Let's pray, come on. आइए प्रार्थना करते हैं। Let's open your tongues. आइए अपनी ज़बान को खोलें। Let's lift your voice to God. और अपनी आवाज़ को परमेश्वर के पास पहुंचाएं। Let's lift your voice to God. अपने आवाज़ को परमेश्वर के पास पहुंचाएं। God is hearing you. प्रभु आपका सुन रहा है। God is hearing you. प्रभु आपका सुन रहा है। God is hearing you. प्रभु आपका सुन रहा है। The Bible says. बाइबल कहती है। God hears the cry of his people. और परमेश्वर अपने लोगों की पुकार सुनता है। So come on, cry out to God. आइए प्रभु का पुकारें। Cry out to God. प्रभु को पुकारें। Cry out to God. प्रभु को पुकारे। Now. अभी। Now. अभी। Is your time. आपका समय है। Is your time. आपका समय है। Talk to your father. अपने पिता से बातें करें। If you want to get up, you can get up. अगर आप उठना चाहते उठ के खड़े रहें। And just lift your hands. अपने हाथों को उठाएं। Don't focus anywhere. कहीं यहाँ वहाँ नहीं देखें। The power of God belongs to all. परमेश्वर का सामर्थ्य हर एक के लिए उपलब्ध है। The power of God belongs to all. परमेश्वर का सामर्थ्य हर एक के लिए उपलब्ध है। The power of God belongs to all. परमेश्वर का सामर्थ्य हर एक के लिए उपलब्ध है। The power of God belongs to all. परमेश्वर का सामर्थ्य हर एक के लिए उपलब्ध है। Cry out to God. हर कोई प्रभु को पुकारे। Come on, cry out to God. पुकारे प्रभु को। Cry. पुकारे। Cry. रोए। There are demonic forces been coming out. और वो सारे शैतानी बंधन टूट जाएंगे। There are demonic forces coming out. शैतानी बंधन टूट जाएंगे। The demon is coming out of that lady right now. और शैतान निकल आए यीशु के नाम। I command that devil to come out. मैं कर कर तो निकल। Come out in the name. बाहर आ यीशु के नाम से। The power of God is awesome here. परमेश्वर का सामर्थ्य अद्भुत है। The power of God is awesome here. प्रभु का सामर्थ्य अद्भुत है। That's awesome here. अद्भुत है। It's awesome here. अद्भुत है यहाँ। Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Flow. बहे। Flow. बहे। As you plan. जैसे आप चाहते हो। As you plan. जैसे आप चाहते हो। Flow. बहे। Flow. बहे।
That's the anointing here. जैसे अभिषेक यहाँ. That's the anointing. वो अभिषेक यहाँ है. The anointing is flowing. वो अभिषेक यहाँ बह रहा है. The anointing is flowing. वो अभिषेक बह रहा है. It's flowing. वो बह रहा है. It's a mighty flow. वो अभिषेक बह रहा है. It's a mighty flow. अभिषेक बह रहा है. It's a flow. वो बह रहा है. God is pouring His Spirit. परमेश्वर इस समय यहाँ पर उतर रहा है. Fire, that's cool. My God. उन्हें खड़ा करें. My dear, look here. सुनो. Look here. सुनो. वो. देखो यहाँ. Listen, listen, listen. सुनो, सुनो, सुनो. Look here, my dear. मेरे प्यारे देखो यहाँ. Watch. Here's your anointing here. या अभिषेक देखो यहाँ. Hey, lady, just move. थोड़ा पीछे हटो. थोड़ा पीछे हटो. Here's your anointing here. या अभिषेक देखो यहाँ. Out of her. Bahara. Just leave it. Don't touch her. My God, that's glory. छोड़ just leave it. Just leave it. छोड़ दो. Just out. छोड़ दो. My dear, just leave it. It's coming out. I pray, Father, set her free. मैं आजाद कर प्रभु. Free. आजाद कर. Free. आजाद कर. Go. Go. That's it. My God. Awesome things are happening. अद्भुत चीजें हो रही हैं. Hey, lady, look here. मुझे देखिए. Come on. Don't. Come out. Come out here. Don't touch it, sister. Don't touch it. Devil, come out. Haley, come out. Come out of her. My God, that's glory. My God, that's glory here. Pick her up, my God. My God, my God, my God. उठा, उठा, उठा. My God, that's glory here. I command. मैं आज्ञा देता हूँ. Devil, शैतान, leave her. छोड़. Fire. Go out of her body. Go. Yes, come out. Leave it now. Go out of her now. Go out of her now. Go. Just fresh. That's glory here. That's glory upon this life. My God, that's glory here. Mighty force of the anointing is here. अभिषेक यहाँ है. The anointing is flowing strong in this section. और इस सत्र में जो है वो अभिषेक बह रहा है. So just lift your hands and ask him, come on. अपने हाथों को उठाए और मांगे प्रभु से. Ask him whatever you want. जो भी चाहिए वो मांगे. You want, come on, young people, stand up. I want this land to stand. Come on, let's stand. Come on, let's believe God. Just fine. My God, that's glory here. Hey, brother, my God, that's glory, that's glory, that's glory. Hey, you want the anointing, sir? You want it? Take it. My God, that's glow. Whoa, whoa, that's glow. Whoa. Give me this man. Give me this man. Somebody give me this man. Hey, come here. Oh, is he with you? Is he with you? Who's he? He's your brother. What's your name? Stanley. Stanley, I see the Lord using you. And the Lord says, get ready. Bigger things, bigger way, bigger anointing. And Stanley, watch here. In 2019, you saw, it was a dream. I'm going to talk to you. Slow heavenly. I saw you, you were having a dream. In that dream, you saw you are all alone playing, playing, and your crowd is falling everywhere by the power of God. Amen, amen. Yes. And I want to say that when that thing is about to happen now, 2020 is your year where God is opening up everything for you. And let me tell you, no more failure. Your life will again rise up. It's a rise up prayer. My God, go. Whoa. Whoa. Father, praise him. Oh, that goes. Receive it. It goes. The anointing. That's power here. My God. It's strong. It's strong. It's strong. It's strong. It's a very strong anointing in this room. Very strong. Pastor, there are demonic manifestations happening. If I stop, they will manifest more. I'm telling you, there is demonic manifestation on this side and that side. It's manifesting. There is demonic. There is demonic. The hold of the devil is getting broken up from people's life now. दुष्टात्मा के सारे कार्य जो टूट रहे हैं इस समय. From people's life. लोगों के जिंदगियों पर से. Put your hands on your head now. अपने सर पर अपने हाथ को रखें. Start praying.
प्रार्थना करें. Start praying. प्रार्थना करें. Start praying. प्रार्थना करें. Say Lord. कहो प्रभु. Touch me. मुझे छुए. Touch me. मुझे छुए. Touch me. मुझे छुए. Touch me. मुझे छुए. Touch me. ओ यस लॉर्ड, धन्यवाद. आइए अपनी आंखें वैसे ही बंद रखें. ओ धन्यवाद यीशु. ओ धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद यीशु. ओ पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु. ओ हालेलुया लॉर्ड. आइए प्रिय उसकी उपस्थिति को महसूस करें और उससे बातें करें. ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. आइए उससे बातें करके, प्रभु मुझसे बातें कर परमेश्वर. इस माहौल में परमेश्वर आपसे कुछ ना कुछ बातें करने पर है. पिता हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से. अब्बा पिता, जितने लोग परमेश्वर से कुछ चीज मांग रहे पिता आपके उपस्थिति में बढ़ने के लिए, पिता हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से वो आपके आत्मा से भर जाए इसी क्षण इसी वक्त. पिता हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से पिता इनके घर को छूइए, पिता इनके घराने का उद्धार करिए परमेश्वर. पिता हम प्रार्थना करते इनके जीवन में आपकी बेधारी हम मांगते हैं पिता. पिता हम प्रार्थना करते इनके जीवन में आपका कृपा आपका दया हम मांगते हैं पिता. आज के दिन के बाद एक नए सीजन में जाए पिता, एक नए बातों में जाए पिता. हर एक दुष्टात्मा हर एक गलत शक्ति यीशु के नाम से, यीशु नाज़रेत के नाम से इसी वक्त राइट नाउ छोड़ के चले जाए हर एक व्यक्ति को पिता. हम कह रहे पिता बंधन मुक्त कह रहे पिता, आपकी शांति कह रहे पिता, आपकी भलाई कह रहे पिता, आपका आत्मा का उपस्थिति इनके जीवन पर कह रहे पिता. पिता हम प्रार्थना करते आपका कृपा कह रहे पिता. ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद लॉर्ड, ओ हालेलुया प्रभु. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता. पिता हर एक के ऊपर हम आपका छुटकारा हम कहते हैं पिता, आपका छुटकारा हम कहते हैं पिता. ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. आपने आंखें बंद रखी यहां ना देखे. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु. धन्य धन्य प्रभु तेरो नाम, धन्य धन्य यीशु तेरो नाम. सो हाथ उठाकर धन्य धन्य प्रभु तेरो नाम, धन्य धन्य यीशु तेरो नाम. Good. Brother.
legs up. Come on. Run. Come on. Go up, 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 up. Go, 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 go. Go fast. Go, go, go. Come on, let's go. Come on. Come on, let's run. Come on. My God. Miracle is happening now. Sir, you said in your pamphlet, signs and wonders, healing. Number one. Number two, there are healings happening that side. I'm telling you, if I start beginning to walk, demons will come out. You saw the moment I walked, demon came out. Demons are going to come out from that area. Now, lady, look here. The issue with your stomach is going to go. The pain from your stomach will go now. Okay, now you have headaches. It will go. And let's believe God. Lay hands, come on. Lay hands on it. Yes, let's believe God. Let's pray God to heal you. Come on. Father, we ask you. Ready? Come here. She white. Okay. What if God heals her completely? You know what's happening right now? Her body, the pain is leaving. These are rejection curses. Rejection, she feels rejected. God is healing her from rejection. My dear Savior, Father, in Jesus' name, every power of rejection, I break it from my life. I command every spell, I break it. I am free. I am free. I am free. Go. Nam nam Yeshu nam 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 Yeshu nam. Check now. Lighter. Go. Show me, come on. Hey, there's a miracle that's happening here. This is what happened. Come on, my dear. Come on, come on this way. Come, come, come this way. Come on this way. Uh-huh. Come on, come on, come on, come, 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 come. How are you feeling now? Much like. This is the power of God, my dear. God is doing it for you both. How are you excited tonight? Do you want God to put the anointing on your life? Do you want to feel the power of God when you go home? What if happens tonight, God restores your family? You came for that. I heard the Lord saying to me, you came for restoration. And I want to tell you, after 48 hours, you'll start getting calls. Your family is restored. And not only that, I see you, God blessing you with money. The doors of money are opening for you. The people who owes you money, their money is coming. The money is coming. The money is coming. See the anointing, see the anointing, see the anointing. That's it, that's it, that's it. I'm telling you, it's coming. That's the power of God. This is the reason, brother, I called you up. Join hands with your lady. सभी लोग यहाँ पर ही खड़े रहे तू मेरी चंगाई
सो कुछ मीटिंग्स का अनाउंसमेंट है। आने वाले 7 फरवरी को चेंबूर लोखंडे मारनी होप मिनिस्ट्री में एक मीटिंग होने जा रहा है जिसका नाम है रीन्यू योर रिलेशनशिप विद गॉड, जहाँ पर मैं ही प्रचारक हूँ और हमारे आजारी वर्शिप बैंड वहाँ पर आपके वर्शिप में लीड करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच में भाई अमोल अलहाट जो प्रभु माता तार नारा ये सॉन्ग है उनके जो राइटर है, और साथ ही साथ हमारे बीच में हमारे प्यारे भाई जॉन आनंद भी रहेंगे। सो हम चाहते हैं कि आप इस मीटिंग में ज़रूर आएँ। ये शाम 5:30 बजे का मीटिंग है, शाम का है, 7 फरवरी को है। सो आप सभी लोग आइए। और साथ ही साथ एक और मीटिंग होने जा रहा है आने वाले 18 फरवरी को लिविंग इन लाइट, और ये मीटिंग होने जा रहा है दामोदर हॉल में, और यहाँ के जो प्रचारक है वो है प्रॉफेट वेंकट है, इवेंजेलिस्ट संजीव के है, वर्शिप में आपको लीड करेंगे ब्रदर अजय चौहान, भाई जॉन आनंद, सिस्टर प्रियंका और हमारे भाई अंत जिमी वहाँ पर रहेंगे। सो ये इसका टाइमिंग है 3 बजे का है दोपहर का। सो आप ज़रूर इस मीटिंग को सभी को याद रखें और जैसे आप आपका टाइम निकाल कर इन सभी मीटिंग्स को अटेंड करें, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करें।